सत श्री अकाल इंडिया न्यूज़ पंजाब दे डिजिटल प्लेटफॉर्म तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ तुहाडे नाल परमजीत कौर। नज़रुद्दीन शाह हमेशा अपने बयान दे करके कई विवादों के भी घिर जाते हैं। कई बार वो इस तरह के बयान दे देते हैं जिस दे करके कि काफ़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है, तो उन्होंने ट्रोल भी किया जाता है। सो हाल ही के नज़रुद्दीन शाह ने वालों एक बयान दिता गया। नज़रुद्दीन शाह वैसे तो देश के बेहतरीन अदाकारा एक ने, उन्होंने तमाम फिल्मों के अपनी दमदार अदाकारी का लोहा भी मनवाया है। सो इस तो इलावा नज़रुद्दीन शाह हमेशा बेबाक राय रखने के लिए भी जोड़े कि जाने जाते हैं। अपने ताज़ा इंटरव्यू के उन्होंने अपने निर्देशन के बनी फिल्म मैन वुमेन की प्रमोशन करते हुए गदर टू की सफलता को लेकर भी हैरान करने वाली गल कही। तो दस दिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक ताज़ा इंटरव्यू बॉलीवुड के फिल्म निर्माण के बदलते रुझान बारे भी गल की। उन्होंने कहा कि फिल्मा जिन्या ज़्यादा कट्टरपंथी होंदिया ने वह उन्निया ही ज़्यादा मशहूर होंगे। उन्होंने कहा है कि अपने देश को प्यार करना ही काफ़ी नहीं है, पर इस बारे ढोल बजाना भी काफ़ी नहीं है, तो हानू काल्पनिक दुश्मन भी बनाने पैणगे। सो उन्होंने लोगों को यह एहसास नहीं होंगे कि वह जो कर रहे हैं वह बेहद नुकसानदेह भी हो सकता है। सो दस दिए कि गदर टू और द केरला स्टोरी वर्गिया फिल्मों की वड्डी सफलता बारे गल करते हुए नज़रुद्दीन शाह ने कहा है कि हालांकि उन्होंने फिल्मा तो नहीं देखिया, पर उन्होंने परेशानी महसूस होंगी है कि इन्हों फिल्मों को वड्डी सफलता मिल रही है, जो कि फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता को ज़्यादा दर्शक नहीं मिले। वो आने वाली पीढ़ी के लिए जिम्मेवार हो गए। सो 100 साल बाद लोग भीड़ और गदर टू भी देखेंगे और कहेंगे किहड़ा साडे समय की सच्चाई पेश करता है, क्योंकि फिल्म ही एक अजिहा माध्यम होंदा है जो अजिहा कर सकता है। तो जिंदगी इस तरह फड़ना उदा ही औखा है। इस जो कुछ हो रहा है उस प्रतिक्रियाशील एक बहुत हल्का जहा शब्द है वह भयानक है, जिथे कि फिल्म निर्माता अजिहिया फिल्मा बनाने शामिल हो रहे हैं जो कि सारिया गलत चीज़ों वधा दें, बिना किसी कारण दूजे भाईचारे भी नीवा करते हैं। सो यह बेहद खतरनाक रुझान है। सो नज़रुद्दीन शाह ने गदर टू और केरला स्टोरी के उपर यह आपत्ति जे कि बयान दिते ने, वो कई लोगों रास नहीं आए और कई लोगों ने उन्होंने ट्रोल भी किया है।